हेलो। हाँ रवि क्या साहब, हाँ फरंजी, हम इंडियन मीडिया बुक से बोल रहे हैं। हाँ अच्छा, अब ये बताइए क्या हाल चाल है आपके पटना का। पटना का मैं तो काफी ज्यादा पानी का, मतलब 1974 के बाद से पहली बार इतना ज्यादा पानी का जमा हुआ है। और अच्छा राजेंद्र नगर, लोहिया नगर, उधर हनुमान नगर, अशोक नगर में तो 6 फीट से 8 फीट तक पानी जमा हुआ है। जितने भी ग्राउंड फ्लोर में लोग रहते हैं जी हाँ उन लोगों का फ्रिज, वॉशिंग मशीन सारा पानी में तैर रहा है, पलंग वगैरह सारा चीज। राहत कार्य तो काफी जोर पर है, लेकिन अच्छा राहत की बात यही है कि कल रात से पानी बंद हो गया है। हाँ, बारिश रुक गई है। बारिश रुक गई है तो अब धीरे धीरे पानी का निकास होगा। अच्छा सरकार भी लगी हुई है सारा पानी निकालने के लिए, लेकिन पानी उतना ज्यादा नहीं बरसा है जितना ज्यादा जमा हुआ है। इसका मुख्य कारण जो है हाँ ड्रेनेज सिस्टम का फेल होना है। अच्छा जी जी हाँ सरकार ने पहले समय रहते हुए में सारे ड्रेनेज और सारी चीजों को अगर सारी सफाई और चीज की हुई रहती तो इतनी भयावह स्थिति नहीं होती। कितने लोगों की दुकानों के अंदर में पानी चला गया, लोगों का लाखों का सामान बर्बाद हो गया। खैर वो तो अमीर आदमी थे, लेकिन गरीब आदमी जो आदमी के घर के बर्तन सारी चीजें बर्बाद हो गई हैं, उन लोगों के लिए तो बहुत बड़ी त्रासदी हुई है। बहुत बड़ी, ये काफी दिनों के बाद हुआ है आपने जो बताया। 1900 मतलब मैं 25 साल से पटना में रह रहा हूँ, हाँ। इतना पानी का जमाव आज तक नहीं देखा गया था। इतना तो ये मुख्य कारण ये तो नहीं कि गंगा का पानी का लेवल बहुत ज्यादा हो गया हो। नहीं, ये रीजन नहीं रहा है, हाँ। जो गंगा का पानी का लेवल जो एक हफ्ता पहले था जी हाँ वो ज्यादा था, उल्टे वो थोड़ा सा कमी हुआ था। अच्छा, तो मतलब कि अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आता। हाँ, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती ड्रेनेज सिस्टम अगर सही होने पे। सही होने से ठीक है। तो अभी मतलब ये जो पूरा प्रॉब्लम हुआ कितना, एक हफ्ता चला? ये शनिवार से चालू हुआ, शनिवार शुक्रवार रात से पानी जो चालू हुआ तो शनिवार से पानी काफी भरा और कंटिन्यूअस पानी रहने से फिर शनिवार शाम से पानी और ज्यादा बढ़ गया। कल की स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो गई थी। अच्छा, तो ठीक है रवि, क्या साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसके ऊपर रोशनी डालने के लिए। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू सो मच।